अमिताभ बच्चन मुर्दाबाद, अमिताभ बच्चन मुर्दाबाद, अमिताभ बच्चन मुर्दाबाद। 2 करोड़ रुपया उसे दान वजो दिता है अमिताभ बच्चन ने, इन्हें 2 करोड़ रुपया इस करके दिता है। दिल्ली गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब विच अमिताभ बच्चन वालों दिते 2 करोड़ दान तो बाद 1984 दंगा पीड़ितां च विरोध पाया जा रहा है। पूरे भारत विच करोना महामारी नूं लैके जिथे हर कोई शख्स परेशान है अते हर कोई इस दुख की घड़ी विच एक दूसरे की मदद कर रहा है, उथे ही फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन वालों दिल्ली रकाबगंज गुरुद्वारा साहब नूं 2 करोड़ रुपए करोना मरीजों लई देण ते लुधियाणा च 1984 दंगा पीड़ितां वालों विरोध जताया जा रहा है। प्रधान सुरजीत सिंह अते बीबी गुरदीप कौर का कहना है कि 1984 विच होए सिख कतलेआम लई अमिताभ बच्चन भी जिम्मेवार सी, इस करके उसके दिते हुए पैसे सिख कौम नूं नहीं लेने चाहिए। उन्हां दा कहना है कि दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उसके पैसे वापस करे अते अकाल तख्त साहब तो माफ़ी मंगे। मेरा नाम सुरजीत सिंह, प्रधान 1984 सिख कतलेआम पीड़ित पंजाब। अज मैनू बड़े अफसोस नाल कहना पै रहा है, अज तो 37 साल पहला 1984 दे विच दिल्ली दे विच इंदिरा गांधी की हत्या तो बाद जिहड़ा कतलेआम शुरू दिल्ली विच होया सी, हिंदुस्तान के वख-वख शहरां जिहड़ा कतलेआम होया सी और राजीव गांधी के इशारे ते होया सी, उस वक्त अमिताभ बच्चन जिहड़ा ये राजीव गांधी का बहुत क्लोज सी, उहदा दोस्त सी, गांधी परिवार के बहुत नेड़े सी अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन की सलाह के नाल ये सारा कतलेआम जिहड़ा दिल्ली दे विच शुरू होया सी। इन्हां दे विच जगदीश सैटलर सी, सज्जन कुमार सी, SKL भगत सी, होर कई सीनियर कांग्रेसी आगू शामिल सन। जदों ये कतलेआम शुरू होया राजीव गांधी दे नाल अमिताभ बच्चन सी, उस वक्त राजीव गांधी ने नारा दिता सी, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, खून का बदला खून, सिखां नूं मारो कट्टो वड्डो, सिखां ने मेरी मां मार दित्ती है। उहदे नाल जिहड़ा सलाहकार सी अमिताभ बच्चन सी, इहदे साडे कोल बहुत प्रूफ ने। असी 37 साल तो कह रहे हैं कि SIT जिन्हें भी बनियां ने भारत सरकार ने बनाईया ने, तकरीबन 14 SIT बनियां ने। असी पहला कई बार मंग की है कि अमिताभ बच्चन इस जिहड़े कतलेआम होया इहदे विच शामिल किया जाए, इहदी सलाह सी, इह भी दोषी है, इहदे ते 120B लगनी चाहिए अमिताभ बच्चन दे, ते इस दे उपर जिहड़ा पुछगिछ होनी चाहिए। अमिताभ बच्चन नूं पहलां वी श्री अकाल तख्त साहब तो उन्होंने चिट्ठी कढ़ के तलब किया गया सी, लेकिन अकाल तख्त साहब से तलब नहीं सी पहुँचा, इन्हें एक लैटर भेज दिता सी कि मेरी कोई अलॉटमेंट नहीं। जे कोई जे अगर अमिताभ बच्चन की कतलेआम विच दोषी नहीं है, कोई यदा हथ नहीं है, तो इन्हों सिख कौम तो माफ़ी मंगनी चाहिए सी, अकाल तख्त साहब से पेश होकर श्री सिंह साहब को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए सी, इन्हें नहीं दिता। इन्हें परसों दिल्ली कमेटी वालों जिहड़े कोविड जिहड़े सेंटर बनाए गए ने उत्थे रकाबगंज गुरुद्वारा साहब विच लोगों की मदद वास्ते मनंज सिरसे वालों जिहड़ा दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान है, इन्हें 2 करोड़ रुपया उत्थे दान वजो दिता है अमिताभ बच्चन ने। इन्हें 2 करोड़ रुपया इस करके दिता है कि जिहड़ा धब्बा लग्या 1984 का जिहड़े कतलेआम 10,000 सिखां दा होया सी, इह मेरा धब्बा धोते जाए ते जिहड़े सिखां दे हिरदे ने इन्हां ते मलम लगाई जा सके। सिख कौम जिहड़ी है कती बर्दाश्त नहीं करेगी कि अमिताभ बच्चन ने कतलेआम विच भाईवाल होवे, यह इंदिरा गांधी तो बहुत क्लोज सी, इहदा हत्थ सी विच, एक साजिश दे विच इहदा हत्थ सी, ते 2 करोड़ रुपये लैके कौम जिहड़ी है चुप बैठण वाली नहीं। मेरी मनजिंदर सिंह सिरसे नूं अपील है कि 2 करोड़ रुपया तुरंत वापस किया जाए, तो सिरसा साहब भी जिहड़े सिख कौम तो माफ़ी मंगन। जिहड़ा अमिताभ बच्चन ने इहनूं सिख कौम कदी भी माफ़ नहीं कर सकती। अगर जे कदी भी पंजाब विच एंटर किया जिन्हें कोई शूटिंग करने की हिम्मत की, असी यदा डट के विरोध करा तो पंजाब में एंटर नहीं होंगे। मैं गुरदीप कौर, प्रधान 1984 सिख कतलेआम वेलफेयर सोसाइटी पंजाब इस्त्री विंग। अज जी जड़ा असी इतने रोस कर रहे हैं, ये देखो 1984 जो कतलेआम होया अमिताभ बच्चन जड़ा है ये पूरी शमूलीयत सी। अज अमिताभ बच्चन ने एक 36 साल बाद साढ़े जख्मां नूं करेद के ते उहदे उत्ते नमक छिड़कण वाली गल कीती आ। उहने अपने वालों ते बड़ी एक पॉलिसी खेडी कि जो आई दिन तक मेरे उपर तब्बा लग्या 1984 दे विच कि कतलेआम दे विच मेरी शमूलियत आ, ते शायद मैं 2 करोड़ रुपया जाके कोविड सेंटर दे वास्ते गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब दे विच देवांगा ते मेरे तो वह धब्बा उतर जाएगा।
ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇਰਿਆਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੂੰ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ? ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਉੱਥੇ ਉਹੀਓ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਉਹ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ? ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਹਾਕਾਰ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਤੰਗੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੁੰਦਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਰਮ ਲੱਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੁਲਬੀਰ ਰਾਹੀ, ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ TV।